मैशरक में स्थित तंबकेश्वर मंदिर के अंदर 10 से 12 लोग जबरदस्ती न सिर्फ घुसने की कोशिश करते हैं बल्कि अंदर मौजूद प्रख्यात शिवलिंग पर हरे रंग की चादर चढ़ाने और फूलों की टोकरी चढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले में मामला दर्ज हो चुका है, FIR रजिस्टर की जा चुकी है, 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस बात की तलाश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कहां से आए थे, क्या ये नासिक के रहवासी हैं। हालांकि इस बात पर सबसे ज्यादा नाराजगी जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में लगातार हिंदुओं को और हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण चल रहे हैं। रामनवमी के दौरान से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर के बाहर तैनात जो टेंट्स हैं उन्हें आग के हवाले फूंका जाता है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। उसी के बाद अहमदनगर में भी दो समुदायों के बीच में पथराव देखने को मिलते हैं, लगातार एक दूसरे के समुदाय के विरोध में नारेबाजी होती है और जो प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं उसके अंदर भी हमने देखा है कि जातीय समुदाय जातीय विवाद के चलते मंदिरों के ऊपर आक्रमण करने की गतिविधियां महाराष्ट्र में नोटिस की गई हैं। इसी बीच में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस समुदाय के ऊपर फोकस किया जाए कि ये कौन से समुदाय से आने वाले लोग हैं जो कि शांति भंग कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। पूरे घटना विस्तार से आपको बताएं तो यह 13 मई की घटना है। रात के 9:40 के दौरान कुछ लोग जो हैं, कुछ युवा हैं जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं, वो मंदिर के प्रांगण में चादर और फूलों की टोकरी लेकर घुसने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी रोकती है, बैरिगेटिंग लगाई जाती है, उनको अंदर भीतर घुसने से मना किया जाता है और मना करने के बावजूद जब वो नहीं रुकते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मंदिर के प्रांगण से बाहर हटा देती है। और हालांकि जब वो इतने पे नहीं रुकते, मंदिर के दूसरे कोने से दीवार फांग कर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बकायदा जो चादर है, फूलों की चादर है, उसे भी मंदिर के अंदर मौजूद पिंडी पर चढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जिसके बाद जो मंदिर के अथॉरिटीज हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं, उन्होंने नासिक पुलिस के समक्ष अपनी कंप्लेन को उजागर करते हुए ये कहा है कि कुछ लोग राज्य में अशांति का माहौल बनाना चाहते हैं, इसीलिए मंदिर के ऊपर इस तरीके के आक्रमण किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब मंदिर के अंदर शिवजी की शिवलिंग है उसके ऊपर जब चादर चढ़ाने का कोई रिवाज नहीं होता, साफ तौर पर ये निर्देश है कि दूसरे समुदाय के लोग मंदिर के प्रांगण में न जाए, तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। वीडियो से साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक लोगों का समूह जो है वो मंदिर के प्रांगण के अंदर जाने की कोशिश करता है, दूसरा समूह जो है वो दूर खड़े होकर वीडियो बनाता है, एक समूह दीवार फांग कर अंदर जाने की कोशिश करता है। साफ तौर पर एक ही सोची समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ADG लेवल के अधिकारी के अंतर्गत SIT को गठित करने के आदेश इसलिए दिए गए हैं जिससे कि समझा जा सके कि महाराष्ट्र में जो लगातार कुछ इलाकों में छोटे मोटे दंगे हो रहे हैं उनके पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है, क्या कोई एक समुदाय के युवाओं को भड़का कर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। क्योंकि साफ तौर पर त्र्यंबकेश्वर एक ऐसी पिंडी है, एक ऐसा मंदिर है जो कि महाराष्ट्र भर में काफी ज्यादा विख्यात है, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश है कि मंदिर के अंदर जाने की क्या कानून और कायदे हैं, उसे भंग करके जाने वालों की पहचान क्या है और उनका इरादा क्या था, इसकी जांच SIT करेगी। लेकिन फिलहाल देखेंगे तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर हो, अहमदनगर हो या ऐसे अन्य इलाके हो, इसमें लगातार दो समुदायों के बीच में पथराव, गाड़ियों को आग में झोंकने और नारेबाजी करने के आरोप में कई मामले ऑलरेडी चल रहे हैं। पथराव की वजह से लोग जख्मी होते हैं, पुलिस भी अब सुरक्षा में कितनी ज्यादा कटुताई बरतती है ये भी SIT जो है उस पर गौर फरमाएगी। देखना होगा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जबरन घुसने के इस मामले में जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है, तो आगे आने वाले दिनों में गिरफ्तारी के आंकड़े कितने बढ़ते हैं और आखिर इनकी मंशा क्या थी, इसका पर्दा कब फाश होता है।